राम राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ इस समय जंगल में और हम जा रहे हैं श्री रत्नगढ़ माता मंदिर पर। और इसी बीच पर रास्ते में हमको मिला है झरना और झरने में प्राकृतिक नेचर कमल खिले हैं, कमल लगे हैं यहाँ पर, कमल के पौधे हैं। आपको मैं कमल दिखाता हूँ। ये हमारे सोनू भाई है साथ में जो कि जा रहे हैं। और ये देखो कमल को हमने तोड़ लिया है। बहुत सारे कमल लगे हैं यहाँ पर। मैं सोच नहीं सकता था कि जंगल में भी कमल लगे होंगे। मतलब प्योर जंगल है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये यहाँ से झरने चले आ रहे हैं ऊपर से बहुत सारे। तो यहाँ पे इसी झरने की लाइन में बहुत सारे कमल लगे हैं। देखो ये सामने ये कमल खिला है, एक इधर खिला है, बहुत सारे कमल ही कमल लगे हैं। बहुत अच्छा लगा। मतलब जंगल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिल रहा है कि साहब जंगल में भी कमल खिलते हैं। पहला कमल हमने तोड़ दिया है। देखो और सारे बहुत सारे कमल लगे हैं, इधर भी सब खिले हैं कमल। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो चलो एक ही तोड़ रहे हैं, बस बहुत है। हम लोग थोड़े उधर से जो कमल लगे थे वहां से थोड़ा नीचे को चले तो हमें सुंदर प्राकृतिक रूप से ये झरना देखा। वो सामने से झरता हुआ वहां से पानी आ रहा है इधर से और चला आ रहा है इधर। ये देखिए आप। तो रत्नगढ़ माता पे जो 11 मंगरौल वाले रास्ते पे होते हैं आप आते हैं तो बीच में दो पुल मिलते हैं नदी आप, जो कि झरनों के पुल हैं। झरनों से पानी बह के आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये झरना चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे लोग नहा भी सकते हैं और नेचुरल पानी रहता है तो पी भी सकते हैं, क्योंकि दीपावली के टाइम पे ये पानी बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है। अब हम जा रहे हैं दूसरे झरने की तरफ। बढ़ते जा रहे हैं हम धीरे धीरे जंगलों में। कहाँ से देखें आ जाए निकल, कहाँ से जाए, यहाँ से निकल जाए अपन सामने। साहब जंगल में मंगल है साहब। हमने सोचा यहाँ का वीडियो शूट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है वीडियो। दूसरा झरना आपको दिखा रहे हैं, ये भी बड़ा नेचुरल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ज़्यादा ऊंचे से नहीं गिर रहा पानी इधर। लेकिन लग तो अच्छा रहा है। रास्ते में कुछ प्राकृतिक चीज़ें मिल जाए, सुंदर चीज़ें मिल जाए, सुंदरता की, वो भी अच्छा लगता है। देखो ये सामने से जो पानी आ रहा है उधर, इसके ऊपर रोड है रत्नगढ़ माता जाने के लिए इधर को, और उसी रास्ते पर ये झरने हैं। और झरना जो कि मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लोग बाग नहाते होंगे, लोकल लोग नहाते होंगे। हम लोग तो बाहर ही हैं तो हम लोगों को कुछ यहाँ का पता नहीं है कैसा क्या है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। और जंगल की एक प्याज है, इसको जंगल की प्याज बोलते हैं। देखो ये है। अब इसकी वैल्यू क्या रहती है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों में यूज होता होगा ये। इसको जंगल की प्याज बोला जाता है, जड़ी बूटियों में यूज होती होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय श्री राम। पूजा हमारी सब देखे खा।